हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ और खुश होंगे और अपना टाइम कुछ क्रिएटिव करने में लगा रहे होंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही क्रिएटिव किया है जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, घर में पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों से। तो आइए बिना देर किए DIY शुरू करते हैं। पहले DIY के लिए मैंने लिए हैं ये कुछ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के पीसेस। तो मैंने रूलर की हेल्प से इस तरह से मार्जिन ड्रॉ कर ली है। तो चारों तरफ मार्जिन ड्रॉ कर लूँगी मैं इस तरह से। इसके बाद अगर आपके पास कोई आर्ट क्राफ्ट कटर पड़ा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किचन नाइफ लेकर भी इस मार्जिन के अकॉर्डिंग इसको कट कर लें। तो इस तरह से मैंने नाइफ की हेल्प से इस कार्डबोर्ड पीस को कट कर लिया। तो इसी तरह से मैंने 3-4 फ्रेम्स बनाकर तैयार कर लिए। अब इन फ्रेम्स को मैं डेकोरेट करूँगी कुछ कलरफुल पेपर्स की हेल्प से। अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर पुराना फैब्रिक पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पेपर से ही करना प्रिफर किया। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शीट्स पड़ी हुई थी ओरिगमी, तो मैंने उनको ही फ्रेम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और कट करके मैं ग्लू की हेल्प से इस फ्रेम के अराउंड उस ओरिगमी शीट को अच्छी तरह से पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से कॉर्नर्स कट करके पहले मैंने अंदर की साइड पेस्ट कर लिया। सिमिलरली बाहर की साइड के भी मैं कॉर्नर्स कट कर लूंगी इस तरह से, और फिर हम करेंगे बाहर की साइड से भी इस फ्रेम के अराउंड ही ओरिगमी को पेस्ट। तो इस तरह से ओरिगमी शीट को नीटली इस फ्रेम के अराउंड पेस्ट कर ले ताकि कोई गैप ना आए और ये देखने में सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा पहला फ्रेम तैयार। तो इस तरह से कम 3-4 फ्रेम तैयार किए हैं और इनको मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से अपनी वॉल पर इंस्टॉल कर दूंगी। तो ये है मेरे सारे फ्रेम्स रेडी। अगला DIY हम करेंगे इस पुरानी जीन्स से। तो इसके लिए हमें चाहिए सीजर्स और कुछ स्टिचिंग मटेरियल, नीडल्स एंड थ्रेड्स। तो सबसे पहले मैं जीन्स की लेग को इस तरह से स्प्रेड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ लेके इस तरह से कट कर लूँगी। मैं इससे बनाऊँगी बीन बैग। आजकल फैब्रिक बैग काफ़ी ट्रेंड में है तो मैं इससे वही बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने इसको कट कर लिया है, फिर इस तरह से इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करके इसको नीटली अरेंज कर लें, फिर ये जो ओपन एंड है इसकी, जहाँ पे कोई सिलाई नहीं है, वहाँ पे नीडल और थ्रेड की हेल्प से अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसको स्टिच कर लिया है। कोशिश करें कि बड़ी सुई और मोटा धागा लें, क्योंकि जीन्स का कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, तो बड़ी सुई से ये इजीली स्टिच हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे स्टिचेस लगाते जाएं इसमें और थोड़ा थोड़ा गैप लें और ये इस तरह से पूरा स्टिच करके कवर कर लें। जब ये कॉर्नर स्टिच होकर रेडी हो जाए तो इस थ्रेड को कट कर लें और अब ये जो स्टिच्ड पोर्शन है इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लें। ऐसे फोल्ड करें और ये जो ट्रायंगुलर कॉर्नर आता है इसको इस तरह से स्टिच कर लें। तो ऐसे हमें दोनों साइड से करना है। पहले मैंने यहाँ पे थ्रेड को सिक्योर कर लिया है और अब स्टिचिंग देखिए इस तरह से आपको करनी है। तो ये जो ट्रायंगुलर कॉर्नर है इसको सील कर देना है ताकि जो बेस है वो स्क्वायर बन जाए। तो मैंने इस तरफ का कॉर्नर अच्छे से स्टिच कर लिया, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी मैं नॉट को सिक्योर कर दूंगी। इसके बाद सिमिलरली हमें दूसरे कॉर्नर को भी स्टिच करना है। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना है, बस कपड़े को नीटली अरेंज कर लें पहले
और नीटली अरेंज करके ये जो ट्रायंगुलर कॉर्नर है इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो अब हमारा दूसरा ट्रायंगुलर कॉर्नर भी स्टिच होकर रेडी है। अब हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से पलटकर सीधा कर लिया है। तो देखिए ये हो गया हमारा फैब्रिक बैग तैयार। अब इसका ऊपर वाला जो एंड है उसको कुछ इस तरह से इक्वली फोल्ड कर लें। अब मेरे पास ये नो स्टिच फैब्रिक ग्लू रखी हुई है और मेरे पास कुछ इस तरह के फ्लावर्स है, ये फेल्ट के फ्लावर्स है, तो इनमें से एक मैं अपने बैग के पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद मेरा फैब्रिक बैग हो गया है तैयार। इसमें मैंने रखा है ये खूबसूरत सा पोथोस का प्लांट। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो ये जो जीन्स बची हुई है मेरे पास, इसी से मैं नेक्स्ट DIY करूँगी। इसके लिए पहले मैं इस तरह से एक कार्डबोर्ड पीस लेकर उस पर एक लीफ लाइक या फेदर लाइक पैटर्न ड्रॉ कर कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 साइज़ के ये फेदर्स कट किए हैं और इनको अपने जीन्स के फैब्रिक पर रखकर स्केच के हेल्प से ट्रेस कर लूँगी। तो ऐसे बिग साइज़ के मैंने 9 फेदर्स जो है वो ट्रेस कर लिए हैं। वैसे स्केच पेन की हेल्प से मैंने पहले इस फैब्रिक पे फेदर्स को ट्रेस कर लिया है, और जब ये साइज़ के ट्रेस होके रेडी हो जाए तो इससे थोड़ा छोटा साइज़ लूँगी मैं, और ऐसे वाले 6 फेदर्स मैं ट्रेस कर लूँगी। फिर इन दोनों से एक छोटा लेकर और 6 फेदर्स मैंने ट्रेस कर लिए। तो जब मेरे सारे फेदर्स ट्रेस होकर रेडी हो गए तो मैंने इनको सीजर की हेल्प से नीटली कट कर लिया। तो ये मेरे सारे अलग अलग साइज़ के फेदर्स कट होकर तैयार है। अब मैं इन सारे फेदर्स में इस तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। और अब मैंने सीजर ली और इनको कुछ इस तरह से ट्रिम करना शुरू किया। तो ये जो मिडिल में मैंने लाइन ड्रॉ की है इसकी दोनों एंड में मैंने इस तरह से कट कर दिया है। तो ये देखिए मेरे फेदर्स कट होकर तैयार है। अब मैं एक थ्रेड लूँगी जिनकी हेल्प से मैं इन्हें हैंग करने वाली हूँ। तो मैंने अपने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही इस थ्रेड को नीटली यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, इस थ्रेड को डबल करके पेस्ट करें, मैंने अभी नहीं किया है लेकिन मैंने बाद में इसको डबल कर लिया था और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही पेस्ट कर लिया था। तो 3 फेदर्स का सेट मैंने यहाँ लिया है और इस तरह से ही अपने फेदर्स मैंने पेस्ट कर लिए हैं। इनको सिक्योर करने के लिए मैंने एक एक स्टिच भी लगा दी है। तो इस तरह से मेरे सारे फेदर्स जो है वो स्ट्रिंग पे टाई होके तैयार है। अब ये मैंने एक वुडन लकड़ी ली है एक, उसको मैंने एक्रैलिक कलर से पेंट कर लिया है। अब इस तरह नॉट लगा के मैंने ये सारे जो मेरे फेदर्स हैं इनको हैंग कर लिया। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको हैंग करने के लिए मैंने ऊपर एक डोरी लगाई और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ये ग्लास पीसेस इसके इस तरह से स्कैटर करके पेस्ट कर लिए। ये हो गया हमारा ओल्ड डेनिम फेदर हैंगिंग तैयार, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।